नमस्कार, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से। दोस्तों, माँ दुर्गा के नौ रूपों की उपासना नवरात्रों में की जाती है और नवरात्रों के नौ दिनों में ना ही सिर्फ देवियों के नौ रूपों की पूजा की जाती है बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि माँ काफ़ी कड़ी तपस्या के बाद ही भक्तों से प्रसन्न होती हैं। लेकिन सत्य ये भी है कि माँ बड़ी दयालु हैं और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि माँ के नौ रूपों की अलग अलग कहानियाँ क्या हैं और क्यों नवरात्रों के हर एक दिन अलग अलग देवी को पूजा जाता है? जी हाँ, उनके पूजा के महत्व और उनकी कहानियों से अब हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं और आपको बताएंगे नौ रूपों से जुड़ी हुई एक एक कहानी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे माँ शैलपुत्री की कहानी। शास्त्रानुसार माँ दुर्गा के नौ रूप कहे गए हैं और नवरात्र के प्रत्येक दिन माँ का एक रूप होता है। माता के इन रूपों के पीछे क्या कहानी है, आज हम आपको बताएंगे। माँ दुर्गा का सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कड़ी तपस्या की जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी, तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री यानी पर्वत बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल और उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष यज्ञ में पवित्र माँ ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद माँ दोबारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। दूसरा रूप आता है ब्रह्मचारिणी। माता दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जपमाला पकड़ी रहती हैं और बाएं हाथ में कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती हैं। तीसरी माता है चंद्रघंटा यानी चंद्र की रोशनी। यह परम शक्ति प्रदान करने वाली माँ का रूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलती है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से जैसे कडंग, बाण, त्रिशूल, पद्म फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घंटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्यलोक में रहती थीं। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जपमाला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी हैं। उनकी पूजा करने से रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। स्कंद माता माता दुर्गा का पांचवा रूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मठ और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक उन्हें स्कंद भी कहते हैं देवताओं के नेता बने। कार्तिक स्कंद को माता पार्वती अपनी गोद में बैठा के रखती हैं। अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए इसीलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती हैं और नीचे के हाथ से माँ वरदान देती हैं। स्कंद माता के पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ कात्यायनी दुर्गा माता का छठा रूप है। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे और जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ उनके सामने प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह अश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ।
महर्षि कात्यायना वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसीलिए माता दुर्गा का नाम कात्यायनी कहा जाता है। और अश्विन माह के पूर्ण उज्ज्वल रात्रि सातवें, आठवें और नवें दिन नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। दसवें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के चार हाथ हैं। उनके ऊपरी हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती हैं जो डर से मुक्ति देता है, और उनके निचले दाहिने हाथ से वे आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ से वे तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से धन धान्य और पापों से मुक्ति मिलती है। काल रात्रि माँ दुर्गा का सातवां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसीलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है। वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रंग काला होता है। उनके बाल बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वाहन गधा है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वे आशीर्वाद देती मुद्रा में होती हैं और निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार रहती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती है, इसीलिए उनका एक और नाम है भयंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। महागौरी माँ दुर्गा का आठवां रूप है। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महेश शिवजी उन्हें कालिकी के नाम से पुकारते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या की जिसके कारण शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माँ आशीर्वाद वरदान करती है, निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती है, ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। सिद्धिदात्री, उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिव जी को अर्धनारेश्वर का रूप मिला। उनका वाहन भी सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गधा और निचले दाहिने हाथ में चक्रम रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की सिद्धि पूरी करती है। नवरात्रों में माँ दुर्गा के इन नौ रूपों की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज हमने जाना माँ दुर्गा के नौ रूपों की कहानी क्या है, क्या है उनके महत्व। जी हाँ, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।